हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कैट एग्जाम में बचे हैं अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स, यानी हमारे पास है 150 डेज। तो क्या वो 5 गोल्डन रूल्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद आप जो है अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो कैट एग्जाम में, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितनी भी एमबीए रिलेटेड वीडियोज है वो सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। एंड स्टडी बस एजुकेशन हमारा चैनल है इंस्टाग्राम पे, जहां पे डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर्स, वोकैबुलरी वर्ड्स, क्वांट शॉर्टकट्स डालते रहते हैं, जिससे आपका सारा का सारा रिवीजन होता रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, सेट योर टारगेट। देखो काफी सारे लोगों के दिमाग में ना दो तरह की नेगेटिविटी है। एक तो ये है, सर अगर हम कैट एग्जाम देंगे हमारा नहीं हुआ तो क्या होगा। पहली तो बात तो ये है कि ये मत सोचो नहीं हुआ तो क्या होगा। सेकंड जो बात है वो ये है कि अपने टारगेट को सेट करो, सिर्फ कैट तक स्टिक मत रहो। आप अपने दिमाग में लेके चलो कि मुझे कैट का एग्जाम देना है, आईएफटी का एग्जाम देना है, जैट का एग्जाम देना है, देन एनमैट, स्नैप, सीमैट, टेस्टनेट, सीटी, एसआरसीसी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो भाई आपके सामने 8 to 9 गुड एग्जाम्स है। इन सभी एग्जाम्स को टारगेट करना है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो एग्जाम क्रैक करना नहीं है, जबकि एक अच्छे कॉलेज में जाना है। तो इन एग्जाम में से अगर आप कोई भी क्रैक करते हो तो यू कैन गेट टॉप ऑफ द बी स्कूल। तो आपका जो फियर है सिर्फ एक एग्जाम को लेकर, अगर उस दिन मेरा दिन खराब हुआ, मेरे क्वेश्चन उस दिन सॉल्व नहीं हुए, तो वो फियर आपका चला जाएगा एंड बाय डिफॉल्ट आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगी। सेकंड जो नेगेटिविटी है लोगों के दिमाग में, सर मेरा 10th में कम स्कोर है, 12th में कम है, ग्रेजुएशन में कम है, मेरा ईयर गैप है, या फिर मैंने जॉब छोड़ दी है, मेरा प्रोफाइल अच्छा नहीं है, मेरे एकेडमिक्स अच्छे नहीं है। इन सबका एक सॉल्यूशन है, कैट में नंबर लाओ, बात खत्म। कहने का मतलब यह है कि आप इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते। आप ना 10th का स्कोर चेंज नहीं कर सकते, 12th चेंज नहीं कर सकते, ईयर गैप है तो है, प्रोफाइल आपका अच्छा नहीं है तो कोई नहीं। जो आप चेंज कर सकते हो वो है कैट का स्कोर। तो नंबर वन प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि मुझे कैट में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि अगर आपने कैट में अच्छा स्कोर ला दिया तो आपके सारे के सारे पाप माफ हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो 10-12 का स्कोर नहीं देखते, वो डायरेक्ट आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं कैट के स्कोर पे, फिर आपको डिपेंड करता है इंटरव्यू कैसा गया, एंड वो अगर आपका अच्छा जाता है तो यू आर सेलेक्टेड। तो उस बात की बिल्कुल टेंशन मत लो कि आपका प्रोफाइल अच्छा है या नहीं है, अभी वो टाइम नहीं है सोचने का। जब आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा और आपके पास 1 से 2 महीने होंगे इंटरव्यू के लिए, तब हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो उस 1 महीने में कि आपकी जो प्रोफाइल है थोड़ी बेटर हो जाए। बट अभी जो आपका अल्टीमेट फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कैट एंड बाकी जितने भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि सर मुझे ये सारे एग्जाम्स देने हैं और मुझे भाई प्रोफाइल के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए अपनी कैट की तैयारी को करना है। सेकंड जो गोल्डन रूल है वो है टारगेट टॉपिक्स नॉट टाइम। बहुत सारे लोग मेरे पास ये कहते हैं, सर कितने घंटे डेली पढ़े, मैं कितनी देर पढ़ू, सर मैं क्वांट में कितना टाइम इन्वेस्ट करूं। भाई आपको अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 hours देने चाहिए पढ़ाई में, लेकिन तब भी मेरा जो सजेशन रहता है वो ये रहता है, टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक्स। मतलब अपना एक वीकली प्लानर बनाओ, उस वीकली प्लानर में ये लिखो कि भाई मुझे मंडे को एवरेज खत्म करना है, ठीक है। अब आपको एवरेजेस फॉर एग्जांपल टॉपिक खत्म करना है, तो अब इस टॉपिक को करने में हो सकता है आपको 2 hours में हो जाए, वेल एंड गुड है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि 2 घंटे अगर आपने स्केड्यूल में डाला हुआ है 2 घंटे पढ़ूंगा तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करूंगा, नहीं। आपको अपना टॉपिक बेस्ड टारगेट बनाना है। आपके टॉपिक्स अगर कंप्लीट हो जाते हो तो आप पढ़ाई छोड़ सकते हो। ऐसे ही अगर आपने सोचा हुआ है कि मैं भाई 3 RC सॉल्व करूंगा, अब वो 3 RC आपने सॉल्व करने में आधा घंटा लगाया या 45 मिनट्स लगाए, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात पे पड़ता है कि आपने टॉपिक क्या पिक किया। तो अपना जो प्लानर है वो टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाओ कि मुझे भाई 10 दिन में जो है ये 4 टॉपिक्स करने हैं, या फिर मुझे 1 महीने में पूरा अरिथमेटिक खत्म करना है, 15 दिन में मुझे ज्योमेट्री करना है, या 15 दिन में मुझे नंबर सिस्टम करना है, 2 दिन मुझे DI करना है, टेबल एंड केसलेट टॉपिक खत्म करना है। तो जब आप टॉपिक खत्म करोगे दैट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं होगा फिर कि यार मैं कैसे करूंगा अपना सिलेबस, क्योंकि आपने प्लानर बना रखा है, सारे के सारे टॉपिक्स आपने लिखे हुए हैं, तो आपकी टेंशन खत्म, ठीक है। तो अब से जो आपको पढ़ाई करनी है वो टॉपिक टारगेट पढ़ाई करनी है, ना कि टाइम टारगेट, ठीक है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई कि हम अपना प्लानर बनाएंगे और उस प्लानर में अपने टॉपिक्स को मेंशन करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली हम लोग उन टॉपिक को कवर अप करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी प्रिपरेशन का और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो है वो है मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मैक्सिमम एस्पिरेंट क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि जब मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा, जो बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले तक आपका सिलेबस होगा नहीं और जब तक आप मॉक्स दोगे नहीं आपका सिलेक्शन होगा नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका सिलेबस और मॉक दोनों पैरेलल चलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सिलेबस खत्म होने का वेट कर रहे हो, नहीं, सिलेबस अपना चलता जा रहा है, मॉक चलता जा रहा है, दोनों के अपने रोल्स है, अपना पर्पस है, एंड
अपनी अपनी एडवांटेजेस है। आप सिलेबस कर रहे हो, आपका टॉपिक कवर अप हो रहा है, लेकिन जब आप मॉक दे रहे हो, आप रियल टाइम एनवायरमेंट में मॉक दे रहे हो, एंड उस मॉक में आप देख रहे हो कैसे टाइमर चल रहा है, किस तरह से आप क्वेश्चन पिक कर रहे हो, क्या आप एबल हो इजी क्वेश्चन पिक करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है आप ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो। ये सारी जो क्वालिटीज आपको लर्न करनी है वो सिर्फ सिलेबस खत्म करने से नहीं होगी, वो सिर्फ मॉक करने से ही होगी। तो कहने का मतलब ये कि मॉक टेस्ट देने आप स्टार्ट कर दो, अपना टाइम टेबल में डालो कि एवरी संडे मैं मॉक दूंगा, ठीक है? तो एवरी संडे टू संडे मॉक दो, एंड जब आपका सितंबर अक्टूबर का टाइम हो, जब आप वीक में 2 मॉक्स दो, ठीक है? तो 2 मॉक्स अगर आप वीकली देने लोगोगे तो अप्रोक्सीमेटली आप 25 के आसपास फुल लेंथ मॉक्स दे दोगे, एंड अगर आप 25 मॉक्स दे देते हो तो 100% आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल यहां पे आ जाती है। मॉक के साथ साथ इंपॉर्टेंट है मॉक का डिटेल्ड एनालिसिस। अब मॉक का एनालिसिस कैसे करना है? देखो, जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको 2 चीजों पर काम करना है, एक तो आपके अटेम्प्ट्स कितने हो रहे हैं और एक आपकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है? इनिशियल बेसिस पे ऐसा होगा आपके अटेम्प्ट्स भी कम होंगे, एक्यूरेसी भी कम होगी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये इंप्रूव हो जाएगी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है वो ये है कि एक्यूरेसी भी कैसे काम करे। भाई देखो, आपने जो अटेम्प्ट करे हैं वो अटेम्प्ट आपने यही सोच के करे हैं कि मेरे वो क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन जो उसमें इनकरेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो आपको एनालिसिस करना है कि जो जो क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हुए हैं उनको आप डिटेल्ड में देखो कि यार क्या आपने गलती करी थी, क्या सॉल्यूशन था, आपने क्या मिस्टेक करी थी, क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक थी या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, एंड इंप्रूव करो। अटेम्प्ट्स अगर आपको पढ़ाने हैं तो वो इंप्रूव होंगे जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर अप होता जाएगा। तो आपने 2 टॉपिक इस वीक में नहीं पढ़े तो नेक्स्ट मॉक में आप देखोगे उन 2 टॉपिक के क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, ठीक है? तो आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है और आपको अपने अटेम्प्ट्स पे काम करना है। नेक्स्ट, मुझे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर टारगेट स्कोर क्या रखे मॉक में? भाई मॉक में आप टारगेट स्कोर मत रखो, मैं तो कह रहा हूं जितना कम आ रहा है उसकी भी टेंशन मत लो, ठीक है? मान लो फॉर एग्जांपल आपने पहला मॉक दिया, ठीक है, हमें पता है एक मॉक 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का कैट का फुल लेंथ का मॉक होता है, मान लो आपके 50 मार्क्स आए, तो ऐसा नहीं आप होपलेस हो गए कि यार अब तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, होगा ही नहीं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको एक स्ट्रेटजी पे काम करना है जो है +5 स्ट्रेटजी। +5 स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है? +5 स्ट्रेटजी का मतलब होता है हर मॉक में आपको अपना जो स्कोर है वो 5 मार्क्स से इंक्रीज करना है। तो मान लो आपके पहले मॉक में 50 आए, आपको बस ये देखना है कि नेक्स्ट मॉक में मैं किसी तरह 2 क्वेश्चन ज्यादा कर दूं और अपना स्कोर मैं 55 के पास ले आऊं, देन अपना स्कोर 60। तो इससे क्या आपके ऊपर लोड भी नहीं बना और आपकी स्लोली स्लोली प्रोग्रेस हो रही है। ये बेबी स्टेप है जो आपको 99% लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि आप एक बात को समझो, अगर आपके फर्स्ट मॉक में 50 नंबर आए हैं और मैंने आपको कहा 25 फुल लेंथ मॉक्स दे दो, हर मॉक में अगर आप 5 नंबर इंक्रीज कर रहे हो, मतलब 25 × 5, तो आपको जो स्कोर इंप्रूव हो रहा है 125 मार्क्स से हो रहा है। मतलब आपके पहले 50 थे और लास्ट मॉक जब आप दोगे 25th मॉक, तब आपके मार्क्स कितने होंगे, 125 से आपने इंप्रूव करा, एंड 50 मार्क्स तो आपके बेस में चली रहे हैं, तो आपके मार्क्स हो गए 175। और आप ये एक्चुअल रिजल्ट है कैट 2018 का, यहां पे देखो 175 पे आपकी 99.5% से ऊपर आ जाएगी। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना, मॉक का एनालिसिस करना, ताकि भाई आपको रियल टाइम एनवायरमेंट और 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस, स्क्रीन रीडिंग। काफी सारे बच्चे बुक से आरसी सॉल्व करते हैं, लेकिन जैसे स्क्रीन पे आरसी होता है वो सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी रीडिंग स्पीड फास्ट नहीं होती स्क्रीन पे, या फिर वो स्क्रीन पे अंडरलाइन नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो एक लार्जर इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं आपके कैट एग्जाम में। तो 25 फुल लेंथ मॉक्स फॉर कैट एग्जाम, एंड बाकी जितने भी अदर एग्जाम्स आप टारगेट कर रहे हो 10 ईच। तो अगर आप मान लो टारगेट कर रहे हो एनमैट के एग्जाम, तो उसके 10 मॉक आपको देने हैं, स्नैप दे रहे हो तो 10 मॉक उसको देने हैं। तो हर एक एग्जाम के 10 मॉक्स एंड कैट के 25 फुल लेंथ मॉक्स इज द थर्ड गोल्डन रूल। इसके बाद अगर मैं फोर्थ गोल्डन रूल की बात करूं, वो है स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स डेली। बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं, बहुत ही मेजर मिस्टेक यहां पे आप करते हो कि सर हम मैक्सिमम टाइम अपना क्वांट को देते हैं, हम LRDI को देते हैं, लेकिन वर्बल नहीं पढ़ते। काफी बच्चे जो कहते हैं सर मेरा क्वांट तो स्ट्रांग है, LRDI वर्बल पढ़ते हैं, या फिर कोई कहता है सर मेरा वर्बल स्ट्रांग है, क्वांट पढ़ लेता हूं, LRDI तो हो ही जाएगा। ये चीज बिल्कुल गलत है, हर सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वांट में 99 ले आए, LRDI में 99 ले आए, इंग्लिश में 40% आ रही है, तो आपको कॉल आएगी नहीं, ठीक है? तो अगर आप टारगेट कर रहे हो IIM जैसे कॉलेज, तो IIM जैसे कॉलेज जो है वो बताते भी हैं कि आपको हर सेक्शन में मिनिमम 80 तो लेके आनी आनी है, उसके ऊपर कट ऑफ वैलिड होगी। तो चाहे आप 99% ले आओ, लेकिन एक सेक्शन में आपका बहुत कम है, तो उस केस में आपको IIM या कुछ अदर टॉप कॉलेजेस जो आपको कॉल
नहीं करेंगे, आपकी जो परसेंटाइल है वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट होकर नीचे आ जाएगी। तो इसीलिए हर सब्जेक्ट को टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता है क्वांट का सिलेबस ज्यादा है। तो ऐसा कर सकते हो कि अगर मान लो आपने डेली का प्लान बना रखा है कि मैं 4 to 5 hours पढ़ूंगा, तो 4 hours अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 2 hours आप क्वांट को दो, 1 hour आप LRDI को दो एंड 1 hour अपना वर्बल को दो, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो कि क्वांट का सिलेबस ज्यादा है तो 1 घंटा कॉन्सेप्ट पढ़ने का, 1 घंटा प्रैक्टिस का। LRDI में आप 1 hour कर सकते हो कि एक दिन आप LR कर रहे हो, नेक्स्ट डे DI कर रहे हो, फिर LR कर रहे हो, फिर DI कर रहे हो। और वर्बल में आप 1 hour दे सकते हो कि डेली बेसिस पे 45 मिनट्स आप RC सॉल्व कर रहे हो, 15 मिनट वोकैब पढ़ रहे हो, या 15 मिनट में आप पैरा कंप्लीशन पैरा समरी के क्वेश्चंस कर रहे हो। बट स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स डेली। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ये आर्स जो है ये डिपेंडेंट है आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी पे। इसीलिए मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि टॉपिक फिक्स करो, रादर देन सेटिंग लाइक दिस कि मैं 2 hours 1 hour 1 hour करूंगा। भाई आइडियली 4 घंटे पढ़ना कैट के लिए बहुत है, लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको थोड़ा स्लो समझ में आता है, तो आप ये कर सकते हो, मैं यहाँ पे भाई एवरेजेस पढ़ूंगा, मैं यहाँ पे भाई आज लीनियर अरेंजमेंट टॉपिक खत्म करूंगा या उसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं वर्बल में भाई 3 RC सॉल्व करूंगा। तो दिस इज अ बेटर अप्रोच जिनका भाई लर्निंग प्रोसेस या ग्रोथ कर्व थोड़ा स्लो है, जिनको टाइम ज्यादा लगता है। क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि मैंने तो 4 घंटे पढ़ लिया भाई मेरी पढ़ाई हो गई। आपको यह भी देखना है उन 4 घंटों में कितना आउटपुट आया। तो वो आउटपुट आएगा जब आप टॉपिक भी सेट करोगे साथ में कि अब मुझे 2 घंटे में एवरेज खत्म करना है, वो 2 घंटे की जगह 1.5 hours में हो जाए तो बहुत बढ़िया, 2.5 hours में हो जाए तो भी मैं लगा रहूंगा टॉपिक को, बीच में छोड़ने वाला नहीं हूं। तो हर सब्जेक्ट पे इक्वल अटेंशन देना है, उसे आप फॉलो करो। एंड जो बच्चे अदर एग्जाम टारगेट कर रहे हैं जैसे IFT हो गया, ZAT हो गया, CMAT हो गया, TISNET हो गया, उनको GK पे भी टाइम देना है। तो हर दिन आप कर सकते हो 30 to 45 minutes। मैं GK पढ़ूंगा, एक दिन करंट अफेयर्स पढ़ ली, एक दिन स्टैटिक GK का टॉपिक पढ़ लिया, देन करंट अफेयर्स, देन स्टैटिक GK, एंड इस तरह से आप अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हो। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर सब्जेक्ट पे आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैट का रिजल्ट आ रहा है, पता चल रहा है 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छी परसेंटाइल है, 1 सब्जेक्ट में कम आने की वजह से आपका रिजल्ट जो है वो खराब हो गया है। चाहे आपका सब्जेक्ट कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस वो सब्जेक्ट आपकी मांगता है। नेक्स्ट है एनालाइज, रिवाइज एंड रिपीट। भाई एट द एंड ऑफ द डे हम सारे के सारे ह्यूमन हैं, ठीक है। तो ह्यूमन है तो भाई जरूरी नहीं है जो टारगेट हम सेट करें वो हो गई होगा। इसलिए आप ये कर सकते हो कि जो आपके संडेज वाले दिन है वो आप अपना डे फिक्स कर लो रिवीजन के लिए। तो संडे के दिन आप क्या कर सकते हो, संडे के दिन आपने भाई जो पूरे वीक में पढ़ा 3 to 4 hours में वो पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हो, या फिर अगर कोई छोटी सी चीज रह गई है उसको आप वापस से रिकैप कर सकते हो। एंड भाई आप हो सकता है संडे संडे जो है वो मॉक टेस्ट दो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो 3 hours का, एंड उसका एनालिसिस करो। तो जो आपका संडे है या फिर जो आपका सैटरडे है या फिर अगर आप वर्किंग हो तो जो भी आपका वीक ऑफ है उस दिन को आप अपना रिविजन डे बना सकते हो, जहां पे आप एनालिसिस करोगे, रिकैप करोगे, एंड देन इसी प्रोसेस को आने वाले 6 months तक रिपीट करोगे, ठीक। ये तो हमने देखे 5 golden rules। एंड अब वो स्टूडेंट जिनकी भाई प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है, जिनको काफी ज्यादा फियर है, उनके लिए भाई एक अच्छी चीज ये है कि 150 डेज का प्लान मेरा स्टार्ट हो रहा है 4th of July से, जिसमें मैं भाई आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा कैट एंड बाकी एग्जाम्स का। 4th July से 15th September तक मैं आपके सारे के सारे टॉपिक के बेसिक और एडवांस लेवल खत्म कर दूंगा। साथ में मैं भाई आपको हर संडे टू संडे मॉक कराने वाला हूं। देन 15 September से 15 October और ज्यादा रेगुलर मॉक्स, रिवीजन, सेक्शनल टॉपिक टेस्ट, एंड 8 October-9 November में एडवांस वर्कशॉप जिसमें हम ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो कैट के आ सकते हैं वो देखेंगे, एंड बाकी जितने भी एग्जाम्स है उन पे हमारा फोकस हो जाएगा दिसंबर में शिफ्ट। तो इस तरह से पूरी की पूरी प्रिपरेशन चलेगी 150 डेज की। एंड मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है, स्ट्रेटजी रहती है पहले आपके बेसिक्स क्लियर हो, जहां पे हर टॉपिक का आपको बेसिक्स कराने बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक। तो हर एक टॉपिक जो है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक मेरी क्लास में चलता है, जिसमें भाई आपको भाई कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, फास्ट ट्रिक्स भी सिखाई जा रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी सिखाए जा रहे हैं जो एग्जाम्स में हार सकते हैं। देन कैट जेट IFT में जो एडवांस लेवल क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको कराता हूं। हर क्लास के बाद आपको मिलते हैं असाइनमेंट जिनको आप सॉल्व करते हो, एंड जिनका हम लोग डाउट सेशन कंडक्ट करते हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन टाइम में मैं भाई आपका क्या करता हूं, एवरी संडे टू संडे मैं आपका मॉक टेस्ट कराने वाला हूं विद डिटेल्ड एनालिसिस, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो एंड कितना आप वहां पे इंप्रूव कर रहे हो। तो आपको भाई अगर पूरी एक डेमो क्लास देखनी है तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, 2.5 hours की डेमो क्लास है, उसको देखो, समझो कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो यू कैन ज्वाइन, एंड देखो पूरा पूरा टॉपिक की क्या पढ़ाने की टेक्निक है, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन में क्या मैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स लगा रहा हूं जिससे वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो इन सब चीजों का आपको पता चलेगा कि उन क्लासेस का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से पढ़ाया जाता है। तो जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 4th July से, चलेगा 31st December 2019 तक।
मंडे टू सैटरडे, हर मंडे टू सैटरडे तक, मतलब वीक में 6 डेज आपकी लाइव क्लास होगी 9 to 11 PM, ताकि आपके सारे के सारे टॉपिक्स लिमिटेड टाइम में कवर अप हो जाए एंड आप एक पोजीशन पे आ जाओ जहां पे आप जो है बाकी उन सारे लोगों के साथ स्टैंड करते हो जो कैट की प्रिपरेशन काफी टाइम से कर रहे हैं। एवरी संडे हम लोग मॉक करेंगे जिसका डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने आएगा, सो दैट यू कैन सी कि आपको कहाँ इंप्रूव करना है, क्या इंप्रूवमेंट एरियाज हैं, क्या क्या आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। स्पेशल वर्कशॉप होंगे अक्टूबर नवंबर में, जिसमें भाई मैं रिविजन कराता हूँ, एडवांस लेवल क्वेश्चन और ज्यादा प्रैक्टिस कराता हूँ। हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट मिलते हैं इजी, मॉडरेट, एडवांस लेवल के, ताकि भाई आप अपनी प्रिपरेशन देख पाओ एंड आप सारे के सारे असाइनमेंट सॉल्व करवाए। उन असाइनमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस भी आपके सामने आता है, सॉल्यूशन भी आता है एंड उसके ऊपर डाउट सेशन आपके रेगुलर बेसिस पर कंडक्ट होते रहते हैं। हर बच्चे का इंडिविजुअल पोर्टल होगा जहां पे सारे के सारे असाइनमेंट्स, स्टडी मटेरियल प्रेजेंट होगा एंड साथ में भाई हर एक एग्जाम की आपको टेस्ट सीरीज दी जाती है, जितने भी मेजर एग्जाम्स है, चाहे वो कैट हो, IFT, ZAT, NMAT, SNAP, CMAT, सारे के सारे एग्जाम्स। हर बच्चे को एक डिटेल एक्शन प्लान दिया जाता है 150 डेज का, कि इतना करने के बाद आपको ना ही कुछ और करना है, सिर्फ इतना कर लो एंड आपका अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। किसी रीजन की वजह से अगर आपकी कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ताकि भाई आप एक एक टॉपिक को वापस देख पाओ, रिविजन कर पाओ, ताकि अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट भी है तो वो आप बाद में पूरा का पूरा क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स है, जो क्लासेस होती है वो या तो मैं लेता हूँ क्वांट की, LRDI, GK की एंड अनुभव सर जो है वो आपका लेते हैं इंग्लिश का पूरा सेक्शन। और इस तरह का आपके सामने एक्शन प्लान होता है, आपके सामने हर दिन का स्केड्यूल होगा, ये टॉपिक आज होना है, इसका डाउट सेशन है या फिर इसका मॉक टेस्ट है, इसका एनालिसिस होना है, ताकि भाई आपके माइंड में 100% क्लैरिटी हो जाएगी। इतना करने के बाद मुझे कुछ और नहीं सोचना, दिस कंटेंट इज इनफ, इतनी क्लासेस करने के बाद आपका एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है एंड इसी मोटो के साथ ये मास्टर बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है 4th of July से। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई मुझे व्हाट्सएप कर दो 9958937705 पर, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा एंड एनरोल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो studybus.co.in, यहां से भी आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड जो मैंने आपको ये 5 golden rules बताए हैं इनको फॉलो कर लेना, ताकि भाई आपका इस साल कैट में सिलेक्शन हो जाए या फिर अच्छा कोई MBA एंट्रेंस क्रैक हो जाए, जिससे आप एक अच्छे MBA कॉलेज में जा पा रहे हो। टेक केयर, थैंक यू।